नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ वेद प्रकाश। अगर कुछ दिन पहले की बात याद करें, नवंबर 2016 की, तो एक वीडियो Facebook, YouTube और बाकी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। आप लोग देखे होंगे, क्योंकि कई जगहों पे खूब वायरल हुआ था वो वीडियो। एक अनुसूचित जाति के डॉक्टर PMCH के पटना मेडिकल कॉलेज में एक अनुसूचित जाति के डॉक्टर MD कर रहे थे वहाँ, और उनको वहाँ के प्रिंसिपल ने बुरी तरीके से पिटाई की थी, माँ बहन की गाली तक दी थी। और उसके जवाब में कि काफ़ी जब ज़्यादा हो गई, बात बढ़ गई, तो अनुसूचित जाति के डॉक्टर के द्वारा उस प्रिंसिपल की पिटाई इस रूप में की गई थी कि एक पंच लगाया गया था, वो पंच बहुत हेट किया था आत्मरक्षा के लिए। हाँ, और उसके बाद फिर बिहार पुलिस के कुछ जो उनके अंगरक्षक थे, उनके द्वारा उस डॉक्टर की पिटाई की गई थी। क्या बोल रहे हैं? मना किया कि नहीं? तुम बढ़िया बोले बताओ। अब मत देखो, मारिया नहीं, मारी मारिया नहीं, मारिया मारिया वही डॉक्टर आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर आलोक। तो आलोक जी से हम जानेंगे कि क्या मामला क्या था उस दिन, क्या हुआ था। एक्चुअली उस दिन बैरिकेडिंग का जानकारी किसी को दिया गया नहीं था, पहले से कोई पूर्व सूचना नहीं थी। गार्ड लोग वहाँ हमको जानता था, शायद इस वजह से वो लोग हमको आने से रोका नहीं। अगर वीडियो को देखिएगा तो प्रिंसिपल साहब हमको बोल रहे हैं कि तुमको पीछे की तरफ इशारा करके कि वो तुमको दिखा नहीं बैरिकेडिंग। तो असल में वो बैरिकेडिंग तो हम लोग को आज भी क्रॉस करना है, क्योंकि जो वहाँ के स्टाफ हैं या फिर जो स्टूडेंट है, वो उस बैरिकेडिंग को लगा करके ही गाड़ी पार करना था उसको। तो उस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने के लिए तो प्रिंसिपल साहब को तो मुझे मारना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उसको हमको ऐसे भी क्रॉस करना चाहिए था। फिर भी प्रिंसिपल साहब ने मुझे पीटा, मेरे साथ गाली गलौज किया बैरिकेडिंग का बहाना लेकर के। दूसरी बात कि प्रिंसिपल सर, ये सब कार्य पूरी तरह से अधीक्षक के अंतर्गत होते हैं, उनके साथ अधीक्षक लोग भी थे, लेकिन कोई अधीक्षक ने उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरी बात कि पीछे से जब एक आदमी ने प्रिंसिपल साहब के कर्तृत्व के विरोध में जब बोला कि काहे ऐसे कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल साहब ने बड़े ही बेखौफ तरीके से कहा कि हाँ काहे नहीं करेंगे। फिर बेचारा वो भी आदमी डर गया है कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ बदतमीजी या मारपीट की घटना घट जाए, क्योंकि प्रिंसिपल साहब उस समय बहुत रौद्र रूप में थे। फिर प्रिंसिपल साहब ने मुझे गाली गलौज किया, और जब मैंने अपने बचाव में एक हाथ उठाया तो उनके इशारे पर मारो मारो कर करके एक उनके साथ उपाधीक्षक थे रंजीत जामयार, जो कि आप देखेंगे वीडियो में हाथ उठा करके इंडिकेट कर रहे हैं मारो मारो कह रहे हैं, उनके गार्डों ने मिल करके मुझे मारा। अब प्रिंसिपल साहब का तो ये पूर्व नियोजित था कि हाँ भाई इस लड़के को कभी ना कभी मारना है। एक और घटना का मैं जिक्र कर देता हूँ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में जैसे ही MD करने के लिए गया था 2014 में, तो मेरे साथ एक मारपीट की घटना घटी थी। उसमें प्राचार्य के खिलाफ मैंने दोषी छात्रों के खिलाफ हम लोगों ने प्राचार्य के पास ज्ञापन लेकर के गया, लेकिन प्राचार्य ने एक जांच समिति आश्वासन पर बनाया, और जांच समिति में उन छात्रों पर और एक टीचर भी उसमें इन्वॉल्व थे, उन लोगों के खिलाफ जांच समिति में प्रूफ भी हुआ कि वो लोग दोषी हैं, फिर भी प्राचार्य ने उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया। ऊपर से उल्टा प्राचार्य ने मुझे बुला करके मेरे साथ बदतमीजी की, एक तो चैम्बर में जूता खुलवा करके घुसवाए कि हाँ भाई तुम शेड्यूल कास्ट को, तुम कैसे जूता पहन के घुसेगा। उसके बाद मुझे कहे कि सो तुम अपना केस वापस ले लो, तो मैंने इनकार कर दिया था। तो प्राचार्य की पहले से मंशा थी, वो पूरी तरह से जानते थे कि हाँ ये शेड्यूल कास्ट का लड़का है, और
वो बस समय का इंतजार कर रहे थे कैसे इसको मारा जाए और कैसे इसको पूरी तरह से बेइज्जत किया जाए। और प्रचार के रवैये से देख रहे हैं कि वो जिस टाइप का रूप अख्तियार किए हुए थे उस दौरान, न तो किसी अस्पताल में मौजूद अधीक्षक उपाधीक्षक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, और जब एक आदमी ने फतेह से जब एक आदमी ने उनका विरोध किया तो वो उसे भी मारने के लिए चले गए, जिसमें कि आप देखिए कि वो आदमी किस तरह से डर गया था और अपना हाथ ऐसे करके नहीं सर हम नहीं कुछ बोले हैं बोल रहा था। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर अभी तक कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई, जान करके देख करके मुझे बहुत अफसोस लग रहा है कि जबकि जो बिहार पुलिस के जो कांस्टेबल है उनकी गिरफ्तारी की बात थी, हाँ इस तरह का आदेश भी हुआ था। जी जी जी, लेकिन वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए अभी तक। अच्छा, ये आपने जो अभी कहा उसमें एक बात है कि प्रिंसिपल पहले से इस तरह की प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह आलोक की पिटाई की जाए, जबकि ये मामला हुआ उसके बाद जो केस दर्ज हुआ जी जी, उसके बाद आलोक वो जो डॉक्टर एस एन सिन्हा है जी जी, वो प्रिंसिपल ने कहा कि हम तो पहले से जानते भी नहीं थे कि हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं ये आलोक। तो ठीक है, एक हम चीज़ जी बताना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में कौन आदमी रहेगा, या तो मरीज रहेंगे या डॉक्टर रहेंगे। ठीक है, चलिए अगर मान ली कि मैं उन्हें पता होगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, जबकि वीडियो में देखिएगा कि वो बोल रहे हैं कि तू उनको डॉक्टर होकर नहीं पता था, हाँ, बोल रहे हैं। तो ये तो खैर सरासर झूठ हो गया उनकी तरफ से कि उनको नहीं पता था कि हम डॉक्टर हैं, पहली बात। दूसरी बात कि चलिए अगर हम डॉक्टर नहीं तो क्या वो उनको अधिकार है मरीज को हाथ मारने का? बिल्कुल नहीं, या मरीज के परिजन का? एक डॉक्टर अगर किसी मरीज को मारता है तो इससे बुरा चीज़ क्या है, उसको तो उस जगह पर रहने का अधिकार ही नहीं है, उस पोस्ट के लायक ही नहीं है वो। बिल्कुल, अगर स्टूडेंट को मारने का अधिकार नहीं है, डॉक्टर को मारने का अधिकार नहीं है, तो क्या उनको मरीज को मारने का अधिकार था? किसी को भी मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उनका तो दोनों एक्सक्यूज गलत है कि हम जानते नहीं थे, या फिर जगह तो जानते हुए भी उसके प्रशासनिक तौर पर आप सजा दिया जा सकता था कि, या फिर कोई दंड स्वरूप आर्थिक दंड दिया जाए जब पार्किंग नहीं है तो इतना। लेकिन और पार्किंग क्या, उस गेट को तो हमको क्रॉस करना ही है, हम लोग तो उसके बाद जब तक हम कॉलेज में रहे हम उस गेट को क्रॉस करके गए। अच्छा, ये घटना जब हुई तो उस समय आपके साथ आपकी बाइक पे और कोई थे? हाँ, एक सीनियर थे। फिर उस घटना के जब ये बात आ गई, जब इस तरह का मामला हो गया, तो वो कहाँ थे? अब शायद वो डर गए इसलिए वो चले गए, या फिर आदमी का अपना विचारधारा होता है कि भाई हम क्यों पढ़ने जाए सब कुछ हमें, मतलब जो आपके साथ आपकी बाइक पे पीछे बैठ के आ रहे थे वो भी आपका साथ छोड़ दिए। हाँ, वो चले गए, शायद उनके रवैये से देख करके डर गए कि अगर ये घटना में ये तो पिसा ही गया है, हम भी कह लेंगे झूठ मूठ के पिसा जाए। अच्छा, उनके ये सोच होगा, ये खौफ था। हाँ, ये खौफ था उनका, खौफ था उनके मन में। कोई भी आदमी डर जाएगा, कोई भी जो वो कर रहे थे कोई भी आदमी डर जाएगा। फिर इसके इस जब आप उसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसी कॉलेज की प्रिंसिपल के खिलाफ आपने फिर इस मामले की एफआईआर की, आपको कैसे इस बात की का डर नहीं लगा कि कहीं हमें एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा या फिर और कुछ परेशान किया जा सकता है हमें? एक चीज आपको बता रहे हैं कि पहले प्राचार्य ने मेरे ऊपर केस किया, मैंने प्राचार्य पर पहले केस किया। जी जी, मतलब उन्होंने पहले पिटाई भी की और हाँ मेरे ऊपर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा करके केस भी मतलब किया। बैरिकेडिंग को क्रॉस करना कौन सी सरकारी कार्य में बाधा, ये हाँ उनका कहना है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि जो पुलिस उपाधीक्षक कैलाश प्रसाद थे उन्होंने उनका भरपूर सहयोग दिया, और इस मामले में उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बहुत कोऑपरेट किया, और उनके पास प्रूफ था। उन्होंने लिखा कि मैंने इमरजेंसी में घूम घूम कर कार्य बाधित किया, इमरजेंसी में सीसीटीवी था, आराम से वो देख सकते थे कि मैंने कार्य बाधित किया है। और फिर मैंने जो बैरिकेडिंग क्रॉस किया उस बैरिकेडिंग को तो हम कैसे भी क्रॉस करना था, तो हम कौन सा कार्य बाधित कर दिए, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, वही एक गेट था। अच्छा। और उस गेट को तो हमको उसके बाद भी क्रॉस करते गए हम हमेशा, क्योंकि उसको क्रॉस करने का हमको अधिकार ही था। अच्छा, डॉक्टर चूंकि वहाँ के थे, हाँ उस गेट को क्रॉस करने का ही था। तो सरकारी कार्य का हमको, आपको भी आश्चर्य है कि अगर कॉलेज में कुछ होता है, कोई घटना घटती है, तो छात्र पर पहले अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, हाँ, वही प्रशासन, या फिर उस पर केस नहीं किया जाता है। लेकिन देखिए प्राचार्य ने पहले मुझ पर केस किया, अब या तो प्राचार्य ने पहले मुझ पर केस किया होगा, या तो फिर पुलिस उपाधीक्षक के साथ मिल करके उनके केस को पहला केस बनाया गया और मेरे केस को काउंटर केस बनाया। मेरे पास केस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि प्रचार के अगेंस्ट हम कहाँ जा सकते थे।
लेकिन प्राचार्य ने मुझ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के बजाय या कुछ करने के बजाय उन्हें केस करना उचित समझा। इसमें जहाँ तक या तो उनका केस मेरे केस को काउंटर बनाने के लिए किया गया या फिर DSP साहब कैलाश प्रसाद ने उनका सहयोग दिया कि उनका जो फॉल्स केस था मेरे ऊपर ट्रू कर दिया गया। क्या क्या परेशानी क्या हुई फिर इस केस करने के बाद, क्या माहौल रहा, क्या कुछ हुआ? क्योंकि आप उसी कॉलेज में थे, उसमें वहाँ वो भी थे, आमना सामना होता होगा। केस करने के बाद एक चीज तो हुआ कि डर तो मेरे घर वालों को मेरा कैरियर का डर रहा, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने उसके बाद फिर कोई कमिटी बनाई मेरे अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। टीम में प्रिंसिपल साहब भी थे? हाँ, प्रिंसिपल साहब खुद बना रहे हैं तो प्रिंसिपल साहब तो रहेंगे। मैंने कितने आश्चर्य की बात है कि जो दोषी है वो खुद अपने बचाव के लिए जांच बना रहा है, और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को मेरे अगेंस्ट अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए मुझसे गलत तरीके से एक्सप्लेनेशन मांगा कि मैंने ही सब कुछ किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कि सरासर झूठ, जो उनके झूठ को दर्शाता है उनका लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन और वीडियो। आज फैक्ट यही है कि अगर मेरे पास वीडियो नहीं रहता तो शायद मैं कहीं अपने आप को निर्दोष भी नहीं साबित कर पाता, हर जगह मैं दोषी तो साबित हो गया। एक साल होने वाला है, एक साल में आपको न्याय नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला। तो आप क्या उम्मीद करते हैं? ये तो न्यायिक प्रक्रिया है, चलते रहेगी, लेकिन बस हम इतना कहें हैं कि हाँ भाई, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम फाइट करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से बस यही कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप PMCH में इतना संघर्ष किए, आपके साथ इस तरह की घटना घटी, प्रिंसिपल वही रहे जी, और इन सब के बीच आप MD का एग्जाम दिए वहाँ और गोल्ड मेडलिस्ट बने जी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई हमारी तरफ से, और देश में जो भी दलित पिछड़े तबके के लोग देख रहे हैं उन सबकी तरफ से आपको इस बात की बधाई कि आप उसी PMCH में गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो ये सब कैसे हुआ? आप तो डर रहे थे, आपके घर वाले भी करियर को लेकर डर रहे थे जी जी जी, फिर भी आपने लगन से अपने परिश्रम से जी आप गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो क्या क्या फिर मेंटली आप तो बहुत सारा टेंशन में होंगे, आप तनाव में होंगे, घटना कोई भी घटना हो एक सम्मान वाली भी बात होती है जी जी। आप अगर किसी केस में उलझ जाते हैं तो पढ़ाई पे इसका असर होता है जी, लेकिन आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, अब बहुत ये खुशी की बात है समाज के लिए भी, आपके घर परिवार के लिए। तो ये सब कैसे हुआ फिर? एक्चुअली जनवरी तक तो हम केस के लिए जहाँ जहाँ हमको जाना था, ज्ञापन देना था, मैंने दिया। उसके बाद जनवरी लास्ट होने के बाद मैंने सोच लिया कि अब एग्जाम आने वाला है और हमको पढ़ना है। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड एकेडमिक शुरू से अच्छा रहा है और हमको पढ़ने में ही अच्छा मन लगता है, और उसके पहले भी लड़ाई घटना के पहले भी दो ढाई साल जो मेरे पास समय था मैंने पढ़ाई लिखाई किया था। मैंने तरह हार्ट का स्टूडेंट रहा हूँ, जो कि खुद एक बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने 10th लेवल पर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशनशिप का स्कॉलरशिप निकाला है। तो अब गया जिले के एक छोटे से गांव पिंडरा खुर्द, पिंडरा, वहाँ से आप PMCH तक आए, गोल्ड मेडलिस्ट बने जी। मतलब एक लंबा संघर्ष है जी, संघर्ष। तो हमारे जो दलित तबके के लोग हैं, अक्सर कहा जाता है कि उनमें टैलेंट नहीं होता, आरक्षण वाले, तो यहाँ तो गोल्ड मेडलिस्ट बनने में आरक्षण की जरूरत नहीं होती। हाँ, आपके साथ तो जनरल कैटेगरी के लोग पढ़ रहे थे जी जी जी, आपने उनको पछाड़ के गोल्ड मेडल लिया जी जी। तो संदेश आप क्या देना चाहेंगे ऐसे लोग जो कहते हैं कि दलितों में, पिछड़ों में टैलेंट नहीं होता है, वो आरक्षण के बूते ही आगे बढ़ते हैं? तो ये तो एक उदाहरण, छोटा सा एक उदाहरण आपका है, ऐसे देश में तमाम कई भरे पड़े हैं इस तरह के लोग, भरे पड़े हैं इस तरह के लोग। अब जो बोल रहे हैं कि आरक्षण के बलबूते पहुंचते हैं, ये उनकी अपनी विचारधारा है, या शायद वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना चाह रहे हैं क्योंकि वो उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर ये लोग पहुंच रहे हैं। और ये आरक्षण को लेकर के तो बहुत बड़ा विषय है, इस पर डिस्कशन करना या प्रैक्टिकल और रिटर्न सब में आप संतोषजनक मार्क्स आए, आप संतुष्ट हैं? हाँ, ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी में मेरा ज्यादा मार्क्स आ गया, थ्योरी में मेरा मार्क्स थोड़ा सा भी कम रहता तो शायद मैं टॉपर नहीं बन पाता। अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिकल में रिलेटिवली हमको बाकी सबके तुलना में कम मार्क्स दिया गया। मतलब कि रिटेन में आपके मार्क्स ज्यादा? हाँ, रिटेन में मेरे मार्क्स लोगों से जो प्रैक्टिकल में मार्क्स कम। हाँ, प्रैक्टिकल में मार्क्स थोड़े कम। तो यहाँ आप मान रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव यहाँ हुआ? नहीं, ऐसा तो कहना मेरे लिए मैंने बहुत सही नहीं होगा। तो क्या वजह रही कि आप थ्योरी में काफी ज्यादा मार्क्स लाते हैं और प्रैक्टिकल में कम आते हैं?
वो सब तो एग्जाम के अथी पर डिपेंड करता है कि हो सकता है कि हम मेरे एग्जाम से या मेरे वाइवा से या मेरे प्रैक्टिकल से मेरे सामने वाले टीचर संतुष्ट नहीं हुए, ये भी हो या सकता तो है, हो भी सकता है, होता है कि हमारे साथ भेदभाव हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। हाँ, हो सकता है, इसकी इल्म तक नहीं होती और हम भेदभाव के शिकार हो जाते हैं, जातीय भेदभाव। हाँ हाँ, तो हो सकता है ऐसा भी हुआ होगा। हाँ, हो सकता है, हम मैंने इनकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी को बता के ये वही पर आपके साथ भेदभाव, क्योंकि वहाँ पर प्राचार्य है और प्राचार्य तो अपना इन्फ्लुएंस कर ही सकते हैं, इसमें कोई बिल्कुल इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, प्राचार्य अब रिटायर कर गए। आपकी लड़ाई अभी चल रही है या थम गई? जी हाँ, चल रही है अभी। उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया है, वो भी गलत तरीके से, कोर्ट को गलत जानकारी दे करके, तो हम लोगों ने इसके खिलाफ अपना जवाब दे दिया है कोर्ट में, यानी न्याय मिलने तक। चूंकि हमारे फेसबुक पे 5 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा, 17,000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया, आप भी देखें जी। तो ये लोग एक उम्मीद, जब ये वीडियो मैं फेसबुक पे डाला था तो लोग हमसे पूछते थे, बिहार के नहीं बिहार के बाहर के लोग भी, कि क्या हुआ उस मामले में, क्या हुआ, क्योंकि लोगों की संवेदनाएं आपसे जुड़ गई थी जी, जी। जिस तरह से आपकी पिटाई की गई, गाली दी गई, तो देश के तमाम जो दलित तबके, पिछड़े तबके के लोग हैं, वो आपके बारे में जानना चाह रहे थे कि आखिर उस मामले में हुआ क्या। सब चाहते थे कि आपको न्याय मिले जी, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो दलित पिछड़ा किसी भी जाति का हो, हाँ। कोई भी मां देख ले कि उसके बेटे के साथ इस तरह की घटना हो सकती है, किसी का भी रूह कांप जाए, सबको एक उम्मीद है आपको न्याय मिले। और मैं अभी उसके लिए प्रयासरत हूँ, और प्राचार्य ने जो गलत तरीके से कोर्ट में तथ्य पेश करके अपने आप को स्टे लिया है, तो उसके खिलाफ हम लोगों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बस कोर्ट के समय और कोर्ट के निर्णय का हम इंतजार कर रहे हैं जी। और अगर हाई कोर्ट से नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जहां तक हो सकता है हम अपना न्याय पाने के लिए फाइट करेंगे। तो ये हमारे साथ आलोक जी थे, पीएमसीएच में इनके साथ मारपीट हुई, मारपीट कोई और नहीं, वहां के प्रिंसिपल ने ही किया, और आप वीडियो देखे ही होंगे, काफी ज्यादा वायरल हुआ था। आज भी ये अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग इनका भरपूर सहयोग किए सोशल मीडिया में खास करके, इसके लिए हमारे और इनके तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इनकी लड़ाई में आप इसी तरह साथ दें और इनकी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। जय भीम। थैंक यू। जय भीम।